Assalamu alaikum students of class 7, welcome to another lecture. Today we are going to complete our grammar work from June home task. So open up page number 186. Here are active voice and passive voice. So we are going to start active and passive voice. इस टर्म में हमने सिर्फ सिंपल टेंस के बारे में बात करनी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में. ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस, पहले तो आप पेज नंबर 186 खोलें. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब हमें किसी फिक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो मंदरजा ज़ैल तब्दीलियाँ की जाती हैं. अच्छा, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस वो जो काम उस वक्त हो रहा हो, और पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है कि जैसे एक काम हो चुका है और अब आप किसी को बता रहे हैं कि ये काम उसने किया है या ये काम हो चुका है. तो जब वो काम हो जाता है तो वो पैसिव में चला जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो नहीं, फर्स्ट पर्सन के बजाय सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को एक बात बता रहा होता है. एक सिंपल तरीका इसका समझने का यही है कि जब आप एक काम हो चुका है तो उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस. ओके, सो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और प्रोनाउंस में आई को मी, वी को अस, ही को हिम, शी को हर और दे को देम में तब्दील कर दिया जाता है. कन्वर्ट क्या क्या चीज़ें की जाती हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं? तो सबसे पहले आई कन्वर्ट होता है मी में, वी कन्वर्ट होता है अस में, ही कन्वर्ट होता है हिम में, शी हर और दे इनटू देम. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. हमने पढ़ा था सेंटेंसेस जो आपको मैंने समझाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यही बताया था, सब्जेक्ट तो हमारे पास एज इट इज़ रहता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है प्रेडिकेट की कैटेगरी में. यही हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अब एक सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल, आमना ईट्स एन एप्पल, ये हमारे पास एक सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एक सीधी सी सिंपल सी बात की जा रही है. और प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना की गई हो, वाज़े ना हो, क्लियर ना हो. तो सिंपल को इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है. अब आमना ईट्स एन एप्पल, अच्छा अब इसको सिंपल टेंस और इनडेफिनेट टेंस क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमारे पास एक बात क्लियर नहीं है. क्या क्लियर नहीं है? आमना ने किस टाइम एप्पल खाया, आमना ने किस दिन एप्पल खाया, आमना ने किस जगह एप्पल खाया. बस हमें इतना पता है, हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि आमना ईट्स एन एप्पल, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया. ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस में, मतलब एक्टिव सेंटेंस में यूज़ हुई भी है, तो हमने उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, हमने क्या करना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कन्वर्ट किस में होगी? थर्ड फॉर्म में. ठीक है, जब हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे पैसिव में चेंज करते हुए, तो हम बाय का यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने ये बताना है कि ये काम किया किसने है, और बाय के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट जो है मेंशन करेंगे, जो कि हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में ये एक्टिव है और ये पैसिव है. ठीक है, यहाँ देखते हैं,
इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तीसरी फॉर्म के बाद भी बाद बाय लगाएंगे, यहाँ भी हमें बताया गया है। वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में तब्दील कर दी जाएगी। ओके, सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, आई ईट अ मैंगो। आई क्या है यहाँ पे, आई है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मी में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अली वेयर्स अ कैप। अ कैप ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तीन पार्ट्स होते हैं एक सिंपल सेंटेंस के, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट की जगह। इज वॉर्न बाय अली, इज वॉर्न बाय, जिस जुमले में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, जब जब जुमला ही, जब सेंटेंस ही, व्हेन अ सेंटेंस इज़ नॉट कंप्लीट, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट, वी कैन नॉट कन्वर्ट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस इनटू एन पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स, शी ईट्स, दे लाफ, दे बाय। पैसिव वॉइस के जुमले को मुनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस के जुमले को सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले में शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। चलें हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, उसके उससे पहले हम एक रिकैप लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इंटू एन पैसिव वॉइस, वी कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इंटू एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कन्वर्टेड इंटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड वर्ब वाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इंटू एन पैसिव वॉइस। वी यूज बाय आफ्टर द फॉर्म ऑफ वर्ब। आमना ईट्स एन एप्पल। ओके, सो हेयर इन दिस सेंटेंस आमना इज अ सब्जेक्ट, eats is a verb, apple is an object. We are going to convert object into subject because we have to change this active sentence into a passive one. An apple is an helping verb, hv. Now verb here, eats is a first form of verb of eat. ठीक है, तो हमने इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बाय लगाया और आमना हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट थी, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गई। तो सेंटेंस क्या बना हमारे पास, एन एप्पल इज ईटन बाय आमना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑन पेज नंबर 186, द फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट किल्स द माउस। सो हियर द कैट इज subject, kills is verb and the mouse is an object. So what are we going to do, we are going to convert the object into a subject. Hum object ko subject mein convert karenge, to object hamare paas first mein aa jayega. The mouse is killed by the cat. Killed kyun aaya yahan pe, killed, killed is a third form of kills. और इज़ हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस में हमारे पास इज़ आएगा। द माउस इज किल्ड बाय द कैट, बाय लगा हमारे पास एज यूजुअल थर्ड फॉर्म लगने के बाद। आमिर थ्रोज अ बॉल, अ बॉल इज थ्रोन बाय आमिर। यही हुआ यहाँ पे, अ बॉल हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट थी, यहाँ हम सब्जेक्ट में ले आए। अ पुलिस मैन कैचेज अ थीव इज कॉट बाय अ पुलिस मैन। Jameel kicks the ball is kicked by Jameel. The ball, यहाँ पे हमारे पास object थी, यहाँ पे हमारे पास subject बन गई। Kicked, third form of verb. Jameel हमारे पास यहाँ पे subject था, जो कि object में convert हो गया। ठीक है, इसी तरह बाकी भी है। अब हम आते हैं not वाले negative sentences की तरफ। Noreen does not speak English. English is not spoken by Noreen. हमने यहाँ सिंपल सेंटेंस से बोला, Noreen English नहीं बोलती है,
पैसिव में आके क्या करेंगे, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय नौरीन, नौरीन से इंग्लिश नहीं बोली जाती। डज आमिर थ्रो अ बॉल, अभी हम नेगेटिव, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आ गए। डज आमिर थ्रो अ बॉल, अब क्या किस तरह हम इसको करेंगे, इज़ अ बॉल थ्रोन बाय आमिर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, अ बॉल आया उसके बाद, थ्रोन बाय आमिर, क्या बॉल आमिर फेंकता है या क्या बॉल आमिर से फेंकी जाती है, इस तरह के ये सेंटेंसेस कन्वर्ट होंगे। अच्छा, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने पेंसिल से इसको सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज को, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस आपके पास गिवन है, आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और उसके बाद आपने मुझे पिक्चर भेजनी है, और अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है।